अभी अभी आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी वो साक्षी की थी, वही साक्षी जिसे चाकू से गोदकर साहिल ने मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि आरोपी साहिल ने जैसे ही साक्षी की दोस्त भावना और झबरू का नाम लिया, वैसे ही ये दोनों एक एक कर मीडिया से रूबरू होने लगे। इतना ही नहीं, साक्षी की दोस्त भावना ने तो एक ऑडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमे साक्षी साहिल से बात कर रही थी। अब एक बार आप इस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए। दरअसल साक्षी की दोस्त भावना ने एक ऑडियो क्लिप शेयर किया जिसमें साक्षी साहिल से बात करते हुए कह रही थी कि ज्यादा बदमाश है क्या तू, कहाँ चली गई तेरी बदमाशगिरी। बता दें कि साक्षी के दोस्त झबरू ने साहिल को मर्डर के एक दिन पहले ही धमकाया था, जिसे लेकर साक्षी साहिल से पूछ रही थी कि तेरी बदमाशी उस वक्त कहाँ गई जब झबरू ने तुझे समझाया था। मैं तो उसकी मदद ही करने गया था। हाँ। उस लड़के को समझाने ही गया था। कहाँ मिला था साहिल आपको? यहीं पर ही, जहाँ पे मर्डर हुआ है। जहाँ पे मर्डर पहले भी वहीं मिला था। अच्छा, वहीं पर उसी ने बुलाया था? साहिल ने ही बुलाया। हाँ जी, कि आ जाओ। अच्छा, मैं मोस्ट वांटेड हूँ। ठीक है, फिर? फिर कुछ नहीं। क्या बोला था? मोस्ट वांटेड हूँ। हाँ जी, मैं डेरी का बदमाश हूँ। तो उसने कुछ बोला नहीं साहिल ने कि वो? कोई जवाब नहीं दिया वहाँ, कोई जवाब, वो चुप खड़ा रहा। तो कभी पुलिस के पास गई थी साक्षी? इस चीज का नहीं पता। हालांकि ऑडियो क्लिप में आरोपी साहिल की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बल्कि आवाज सिर्फ और सिर्फ साक्षी की सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि मर्डर के एक दिन पहले यानी 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल पर भी बात हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच ये लंबी वीडियो कॉल हुई थी। जांच में ये भी सामने आया कि साहिल और साक्षी के बीच मर्डर वाले दिन यानी 28 मई को भी सुबह 7:19 पर दो वीडियो कॉल हुई थी। इसके साथ ही साहिल और साक्षी में व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए भी बातचीत हुआ करती थी। मर्डर वाले दिन यानी 28 मई को भी दो वॉइस नोट भेजे गए थे। इस वॉइस नोट में साक्षी साहिल से कह रही थी कि बड़ा बदमाश हो रहा है तू, कहाँ चली गई थी उस टाइम तेरी बदमाशगिरी। दरअसल साक्षी को सपोर्ट करते हुए झबरू ने साहिल को धमकाया था, इसी बात को लेकर साक्षी साहिल पर व्यंग कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।